सी आई टी -E एनसीआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का ध्वनि पाठ अध्याय पांच नई समस्याएं पृष्ठ संख्या बहत्तर नई समस्याएं अरब और मंगोल जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था और उसके नेता दूसरे लोग थे अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया हालांकि आक्रमण नहीं हुआ पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ राजदूतावासों की अदला बदली हुई भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे पृष्ठ संख्या तिहत्तर इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए धर्म इस्लाम की जानकारी हो गई इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ मस्जिदें बनी ना शासन ने इसका विरोध किया और ना जनता ने ना कोई धार्मिक झगड़े हुए सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम भारत में एक धर्म के रूप में आ गया था महमूद गजनबी और अफगान लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ 1000 हजार ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए महमूद गजनबी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी पर महमूद ने उत्तर भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह बच गया था महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा पृष्ठ संख्या चौहत्तर महमूद की मृत्यु 1030 सौ ईस्वी में हुई उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी के नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया शाहबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा इस बार उसकी जीत हुई और ग्यारह सौ ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने दे में डेढ़ शताब्दी और लगी लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी चौदहवीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया वह कुछ ही महीने भारत में रहा वह दिल्ली आया और लौट गया पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया जिन लोगों का उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे इससे बहुत पहले चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य पृष्ठ संख्या पचहत्तर दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत ही समृद्ध और सुंदर था जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास कबीर गुरु नानक और अमीर खुसरो भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया आक्रमण तुर्कों यानी महमूद ने किया था अफगानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ इनमें से बाद के दो आक्रमण महत्वपूर्ण थे अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की पृष्ठ संख्या छिहत्तर अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी और भयंकर झगड़े हुए दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की मां हिंदू थी यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी अफगानी तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे पर आम तौर पर नहीं दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ मुख्यतः सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई गो कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप ना करे शेर शाह जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था अफगान शासकों में सबसे योग्य था उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडर मल की नियुक्ति पहले शेर शाह ने ही की थी हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना दिया दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा वास्तुकला की नई शैलियां उपजी खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ यह समन्वय संगीत में विशेष रूप से दिखाई पड़ा भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया पृष्ठ संख्या सतहत्तर फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोल चाल की भाषा में प्रवेश कर गए इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई उनमें एक पर्दा प्रथा थी ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है पर भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदू और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली संयुक्त प्रांत राजपूताना बिहार और बंगाल आते हैं लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में अमीर उमराओं में हुए इनका असर विशाल जनसमूह पर विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो गई तो जौनपुर यानी संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई पूरी पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही विकसित होती आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला पृष्ठ संख्या अठहत्तर पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की पंद्रहवीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं उत्तर में गुरु नानक हुए जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था गर्जे दरबार की भाषा फारसी बनी रही आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे वे तुर्क थे और उनका परिवार दो या तीन पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था वे चौदहवीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थीं। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी इनमें धर्म दर्शन तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण यानी संस्कृत के अतिरिक्त संगीत गणित विज्ञान और आम का फल है पृष्ठ संख्या उनासी उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोल चाल की सामान्य हिंदी में लिखा था उन्होंने भारतीय जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ भी लिखीं अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ऐसी कोई और मिसाल कहीं नहीं मिलती जहाँ 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अब भी उसी तरह गाए जाते रहे हों बाबर और अकबर भारतीयकरण की प्रक्रिया अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त कर ली थी भारत में आने के चार वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता यह काम उसने कुस्तुन के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है वह नई जागृति का शहजादा है बहादुर और साहसी जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है वह बहादुर और है। है वह योग्य सेनानायक और और इस सब के अलावा विनम्र दयालु है आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी है साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो पृष्ठ संख्या 80 पंद्रह ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासनकाल के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत मां का बेटा था इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा केवल सरकार प्रशासन और सेना को ही नहीं कला संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया पर अकबर को राजपुताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और में आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वह विदेशी विजेता समझता था औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा इसी पृष्ठ पर एक चित्र है और जो बुलंद दरवाजा का चित्र है जो आगरा में स्थित है आइए अब सुनते हैं पाठ पृष्ठ संख्या इक्यासी अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई बीरबल राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना शामिल थे उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही साथ ही बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई इसी पृष्ठ पर एक और चित्र है और यह लाल किला दिल्ली का चित्र है आइए अब सुनते हैं पाठ पृष्ठ संख्या बयासी यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे पाठ सुनने से पहले इस पृष्ठ पर एक और चित्र है जो ताजमहल का चित्र है जो हम सब जानते हैं कि आगरा में स्थित है आइए अब सुनते हैं पाठ इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह सौ साल तक कायम रही सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलिशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी जात पात की सड़ांध अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था पृष्ठ संख्या तिरासी यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमत लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था इसीलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले ही की तरह चलते रहे केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं आदतें रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की वे शांतिपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी एकाद उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे आपसी खान पान भी नहीं होता था पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई पृष्ठ संख्या चौरासी गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्यौहार इन दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे उनके लोकगीत भी एक ही थे इनमें से ज्यादातर लोग किसान दस्तकार और शिल्पी थे मुगल शासन के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी इनमें से कुछ पुस्तकें काल जयी रचनाएं मानी जाती हैं इसी समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा और अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में से थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे खान खाना अरबी फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था कुछ समय तक वे शाही सेना के सिप हसालार रहे फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे उत्तर में सिख उठ खड़े हुए वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांति प्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया ठीक ऐसे समय में जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था पृष्ठ संख्या पचासी मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार अपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ सत्रह सौ चौरासी ईस्वी में वॉरेन हेन्स्टिक्स ने लिखा था हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना है जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी इससे उन्हें शक्ति मिलती थी शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था किसान बार बार विद्रोह करते थे इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे सोलह जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ उठ खड़े होते रहे गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था पृष्ठ संख्या छियासी उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी शिवाजी जिनका जन्म सोलह ईस्वी में हुआ था पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे उन्होंने सूरत को जहां अंग्रेजों की कोठियां थीं, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया उन्हें राष्ट्रीय पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जेय शक्ति का रूप दिया 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती रही जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष अंग्रेजों की विजय सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के चार दावेदार थे इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके ठीक उसी समय सत्रह सौ उनतालीस ईस्वी में उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा पृष्ठ संख्या सतासी नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते नादिर शाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही जिसके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन सत्रह में प्लासी का युद्ध जीत लिया इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 सौ ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की एक तिहाई से अधिक आबादी नष्ट हो गई दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें बाकी रह गईं, जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थीं। मराठा संगठन दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिनकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहां तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी पृष्ठ संख्या अट्ठासी हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने अंततः सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया यह बात एक हद तक सही है कि उन्होंने इस युग के बाद जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है सुव्यवस्थित शासन कायम किया लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी पृष्ठ संख्या नवासी रणजीत सिंह और जय सिंह आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ सका ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह थे वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था वह अत्यंत मानवीय था उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी उसने मौत की सजा बंद कर दी चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था एक दूसरा पर कुछ और ही अलग ढंग का भारतीय राजनेता राजपुताने में जयपुर का सवाई जयसिंह था उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय में हुआ था वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही इससे बढ़कर वह गणितज्ञ खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी जयसिंह ने जयपुर दिल्ली उज्जैन बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई उसने जयपुर नगर बसाया उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया जय सिंह की मृत्यु के केवल चार वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारमय युग में जब उथल पुथल युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था राजपुताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया यह बात बहुत महत्वपूर्ण है पृष्ठ संख्या 90 भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के दो रूप अपने प्रारंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थीं कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित रहा हो वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था आवश्यक हो गया था कि या तो वह अपने यहां कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करे जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहां पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुरी हुई थी ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 सौ ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ उसके बाद हैन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई 1660 सौ ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया सौ साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके कातने की कला इंजन और मशीन के करघे निकले पृष्ठ संख्या इक्यानवे इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया शेक्सपियर और मिल्टन वाला शालीन बातों लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड या फिर बर्बर -बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है यह सच है कि अमरीकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता जैसा कि उन्होंने हमें बताया है और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं उसने कहीं अधिक प्रगति की होती यहां यह पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्यपुस्तक भारत की खोज वाचन स्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक ध्वनियांकन विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत